नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। ब्रेकिंग न्यूज पहली जो है वो अलीगढ़ से है, जहां के गभाना टोल प्लाजा को जाम किया गया है। अब समझना होगा जाम क्यों किया है। जाम भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने किया है, ये खबर भारत समाचार के पास है। चंद्रशेखर रावण के आने की सूचना है, ऐसी सूचनाएं। हाथरस की रेप पीड़िता से मिलने चंद्रशेखर रावण पहुंचने वाले हैं, यानी आने वाले हैं। समर्थन में हजारों हजार कार्यकर्ता पहुंच गए हैं। बीएसपी और भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी पहुंचे हुए हैं। भारी संख्या में कार्यकर्ता मौके पर हैं, पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है, पीएसी तैनात की गई है। हजारों हजार की संख्या में ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं। दो संवाददाता इस वक्त भारत समाचार पर ऑन एयर है, दोनों फोनों पर है। मुकेश गुप्ता हमारे साथ अलीगढ़ से है, हाथरस से शम्मी गौतम है। पहले मुकेश से ही जानकारी लेते हैं कि वहां क्या स्थिति है, क्योंकि खबर चंद्रशेखर रावण के आने की है। बारी आपकी है मुकेश, डिटेल दीजिए, शुरू कीजिए, बताइए। बता रहा हूँ, जिस तरह से 14 सितंबर को पीड़िता की युवती के साथ जो रेप पीड़िता रेप हुआ, उसके बाद जो है चंद्रशेखर, इसकी जानकारी सम्मी देंगे। आप अलीगढ़ की जानकारी दीजिए, ये जो बता रहे हैं आप ये सम्मी बताएंगे। अलीगढ़ में अभी क्या हो रहा है वो बताइए। जिस तरह से भीम आर्मी के चीफ ने ऐलान किया कि मेडिकल में हम पीड़िता जो उससे मिलने जाएंगे, उसके बाद जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया, बॉर्डर को सील कर दिया गया। सील करने के साथ ही वहां पर जो उनको रिसीव करने के लिए भीम आर्मी के लोग वहां पहुंचे हुए, सैकड़ों की तादाद में रोड को जाम कर दिया। इस जाम करने का कारण यह रहा कि भीम आर्मी के लोगों को रोका गया। इधर चंद्रशेखर नहीं पहुंचे और लगातार सूचना मिल रही है कि चंद्रशेखर वहां आने वाले हैं, लेकिन उनके अंदर जो जोश है वो मुकेश गुप्ता है कि क्या इंतजार चल रहा है। मुकेश गुप्ता, क्या ये लोग हाथरस जाने वाले थे? अभी तक तो जानकारी मिल रही है, पहले वो मेडिकल जाते, मेडिकल में पीड़िता से मिलने के बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने का उन्होंने बात कही थी। उसके बाद कहीं हाथरस जाने का प्लान बन सकता था, लेकिन अभी पीड़िता तक अभी कहाँ है मुकेश? पीड़िता अभी कहाँ है? अगर पीड़िता की बात करें, अभी वो जेएन मेडिकल में जो वेंटिलेटर पर एडमिट है, जिसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं भीम आर्मी का यही कहना है कि जो पीड़िता वहां पे एडमिट है, उसको उपचार के लिए मेडिकल में ही क्यों रखा गया, जबकि उसकी हालत गंभीर बनती जा रही है, उसको अलीगढ़। अब शम्मी से जानकारी लेते हैं। मुकेश आप बने रहिए, समी गौतम इस वक्त हमारे साथ है। समी, हाथरस से क्या अपडेट है? जी राहुल, आपको बता दें कि हाथरस का ये चंद्रशेखर भूल गई का मामला है। यहाँ पर आज भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर रावण आने वाले हैं, जिसको लेकर जगह जगह पर सैकड़ों कार्यकर्ता एक साथ है, एकजुट है, और युवा कार्यकर्ताओं की बड़ी भीड़ लग चुकी है थाने के बाहर चंदपा, और उससे पहले यहाँ खंडारी गली, वहाँ हनुमान चौकी बॉर्डर पर, चंदपद में कम से कम 7 से 10 जगह भीम आर्मी के सदस्य सैकड़ों की संख्या में देखे। यानी चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, और खबर यह है कि चंद्रशेखर रावण आ सकते हैं हाथरस। इसी बात की जानकारी हमारे संवाददाता शमी गौतम दे रहे हैं। और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं जो यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों संवाददाताओं का। अमरोहा में